सबको राम राम। सुनिए बजबारस की कहानी। भादवा को महीनो आयो, बजबारस आई जिको इंद्र की मोगन्या पूजा करण वास्ते नीचे उतरी। जरा वैने गाय दिखी, वे गाय की पूजा करने लगी। आगे सु पूजा करे तो शींग सु मारे, लारे सु पूजा करे तो लात सु मारे। जना मोगने केवने लगी, ए भाई मैं थारी पूजा करा हा, तू माने लाथा क्यों मारे। जना गाय बोली, सड़ा गाय की काई पूजा करो, गोरा की और गायरी दोया की आज पूजा करे। जना इंद्र की मोगने दर्भ्रो बच्चो करयो और उराका ने रख दियो। उराका ने रखता ही वो गाय ने छूटू छूटू पीवने लाग्यो। इंद्र की मोगने गाय गोरा की पूजा करी, पछे गाय बछड़ा ने लेने घरे आएगी। गायरा साथे बछड़ो देखने मालकिन भी ने घर में नहीं लियो। वह गाय ने केवने लगी, तू बछड़ो लायो है, मने तो टाबर कोनी, मने ही टाबर लावे तो मैं तने घर में ले। जना गाय बोली, आबार तो मने घर में ले, अगला बजबारस ने मैं तने टाबर लाए ने देव। अगली बजबारस आई, गाय बन में गई। इंद्र की मोगने पूजा करने आई तो गाय पूजा करन देवे कोनी। आगव पूजा करे तो शींग सु मारे, लारे सु पूजा करे तो लात सु मारे। जना मोगने केवने लगी, यान क्यों करे, लारका साल तो तने बच्चो नहीं हो, जिको बच्चो दियो अबे काई चेजे तने। जना गाय बोली, मारे मालकिन ने टाबर कोनी है, वा मने घर में लेवे नहीं, उन्हें टाबर देओ तो मैं पूजा करन देव। जना मोगने दरब्रो बच्चो करयो, दरब्रो पालनो करयो, गायरा शिंग ने बांध्यो, उरा में टाबर सुवान दियो और संजीवनी छाटो नाक कर टाबर जीवतो करयो। पछे मोगने गाय और गोरा की पूजा करी। गाय टाबर ले लेने घरे गई। जरा सगड़ी लुगाया शेठानी ने केवने लगी, थारी गाय थारा वास्ते टाबर लाई है। शेठानी बजाए गजाए ने गाय ने सामा लिया, वा रामराज करी जैन सगड़ाई करजो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। बजबारस की सासू बवा की कहानी। एक सासू बवा ही सासू ने गाय चरावने बन में जावनो होतो, जिको वा बहु ने कियो, बिन्नी आज बजबारस है, मैं बन में जाऊँ, तू गवाड़े मूंगाड़े उबाल कर रख जे। ईशो के ने सासू बन में गई। बहू ने विचार पड़ो, गवाड़ा मूंगाड़ा क्या उबालना, गायरा बच्चारो नाव गवाड़े मूंगाड़े हो। वह डरती डरती बच्चा ने चीर के उबालने रखियो। शाम का सासू घरे आई और बहू ने केवने लगी, बिन्नी बछड़ा ने छोड़ो, आज बजबारस है, पहला गाय गोरारी पूजा कर लेवा। जना बहू डरती डरती हाथ पग मसलने लगी और भगवान ने प्रार्थना करने लगी, हे भगवान आज तू ही मारो सत्राक। भगवान उरी प्रार्थना सुनी, हंडी मायसु बाफा निकलती, वह हंडी फोड़कर बछड़ो बारे आयो, उरा गला में हंडी री किनार अटकेड़ी ही। जना वो देखने सासू बहू ने पूछने लगी, बिन्नी ओ काय करयो। जरा बहू केवने लगी, सासू जी थे मने गवाड़े मूंगाड़े उबालने रखन को केने गया, जिको मैं इन्हें चीरने उबालने रख दियो, पन भगवान मारो सत राख्यो और इन्हें जीवतो करयो। उन दिन सु लुगाया बजबारस का दिन गहू मूंग खावे नहीं, काई चीरे नहीं, गाय गोरा की पूजा करे, खोटी री खरी अधूरी की पूरी। बजबारस की तीजी कहानी। एक गांव हो, उठे अकाल पड़ो, गावरो सावकार तलाव बांध्यो, पन तलाव ने पानी लाग्यो कोनी। जना सावकार पंडित जी ने बुलायो और पूछो, तलाव ने पानी क्यों नहीं लागे। जना पंडित जी बोलिया, थने दो पोता है, बड़ो पोतो तलाव रे तीर दे देओ, जना पानी लागी। सावकार विचार करयो, एक पोतो जाई पन सगड़ा गाँव ने पानी मिली, पन बहु ने क्यान केवनु। जना बहु ने कियो, थारा पीर को बुलावो आयो है, थे छोटा हंसराज ने लेने जाओ, बंसराज ने अठे ही रेवन देओ। बहु हंसराज ने लेकर पीर गई, अठे ने सावकार तलाव पर बड़ो जीग रचो, होम हवन करयो, गाँव गाँव रा लोगा ने बुलायो। जरा बहुरो भाई केवने लाग्यो, देख थारा अठे तो इत्ता होम हवन चाल्या है, जीग रचो है, गाँव गाँव रा लोगा ने बुलायो है, पन तने कई बुलायो कोनी, मने बुलावो आयो है, जिको मैं तो जाऊँ। जना बेन बोली, मारा सुसरा जी भोला है, मारो नाव लिखन को भूल गया उसी, मारा घरे जावन ने मने के को बुलावो चेजे, मैं भी आऊँ। अठी ने बंसराज ने तलावरा तीर दे दियो हो। बहू घरे गई, सासू ससुरा बहू ने देखकर डरने लाग्या। अबे बहू अपना ने पूछी,
तो काई केवनू ईसो वे विचार करने लाग्या। सासू बहू ने केवने लगी बिन्नी आज बजबारस है चालो तलावरी पूजा करा। दोई जने तलाव पर गई पूजा करने लगी। पूजा कर्या पछे सासू कियो बिन्नी तलावरी कोर थका कसुंबासु खांडी करो। बहू केवने लगी मारे तो हंसराज बंसराज है मैं तो कोर खांडी नहीं करूँ। सासू केवने लगी मैं केवू जिको या कोर खांडी करो थाने आज मारो सुन्नू लागी। जना बहू कोर खांडी करी और बोली आओ रे मारा हंसराज बंसराज लाडू उठाओ। अठीने सासू डरने लगी और भगवान की प्रार्थना करने लगी। मन में केवे बंसराज आबे कठोऊ आई जिता में बंसराज तलाव मो झरझरता केसासू निकलियो। बहू पूछने लगी ओ काई सासू जी। जना सासू सगड़ी बात बताई और कियो मैं तो बंसराज ने तलावरा तीर दियो हो पन भगवान थारो सत राख्यो। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। बजबारस की चौथी कहानी। एक बार एक गाय चरती चरती घनी लंबी गई। उठे एक वाघ हो वो गाय ने खावने लगे। जना गाय कियो ए वाघ तू मने आज मत खाओ मारा बछड़ा ने मिलकर मैं सवारे आऊँ पछे तू मने खाई जे। बाघ गाय को नू वचन लियो। गाय घरे आई बछड़ो दूध पीवने लगे तो गाय रा आख्या मुँह आंसू टपक कर बछड़ा रा पीठ पर पड़ने लगे। जना बछड़ो माँ ने पूछो माँ माँ तू आज क्यों रोवे। जना गाय बोली बेटा मैं तो सवारे मरना रे मने बाघ खा जाई जिको मने आज दुख हुए। जना बछड़ो केवने लगे माँ माँ मैं पन थारा साथे सवारे बन में आऊला। माँ केवने लगी नहीं बाघ तने भी खा जाई पन बछड़ो मान्यो कोनी। दूजे दिन दोई जना बन में गया। गायरा साथे बछड़ा ने देखकर वाक कियो चोखो हुयो काले एक शिकारी ही आज दो हुईगी। उता में बछड़ो बाघ ने कियो मामा जी पहला मने खाओ। जना बाघ कियो मैं तने क्यान खाऊ तू तो मने मामा जी कियो अबे तो तू मारो भांजो हुई गयो और गाय मारी बेन हुई गई। पछे बाघ गाय ने घास दियो और चुनरी ओढ़ाई स्वर्ग सु विमान आयो और गाय का सच्चाई का कारण सु वाघ शाप मुक्त हुयो। वाघ गाय और बछड़ो वैकुंठ ने गया। खोटी की खरी अधूरी की पूरी।